অনুরোধ, আপনারা সবাই চলে আসুন, ডান দিকে চেয়ার আছে, চেয়ারে আসন গ্রহণ করুন। মঞ্চে আমাদের জেলা এবং রাজ্য নেতৃত্ব আছেন, আমি আলাদা করে কারো নাম বলছি না, তাদের পরিচয় হয়েছে। তাদের वेस्ट बंगाल के हर गांव गांव और गली गली में बीजेपी का वर्कर, बीजेपी का सोल्जर है। और भारत के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका कहना है, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार कामयाबी वेस्ट बंगाल में तो हासिल होने ही जा रही है, लेकिन जो अगला विधानसभा का भी चुनाव होगा उसमें बीजेपी को गवर्नमेंट बनाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यह लोगों का मानना है। मैं कभी कभी ऐसा महसूस करता हूं कि बंगाल की खाड़ी से इस समय भाजपा का ऐसा तूफान उठा है, भाजपा का ऐसा तूफान उठा है कि हमारी टीएमसी के नेता, हमारी ममता दी थोड़ा सा कोई घबरा गई है और इतना ज्यादा परेशान हो गई है, इतना ज्यादा घबरा गई है कि जब यहां पर फोनी तूफान आता है और हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार उन्हें टेलीफोन करते हैं तब भी उनका टेलीफोन नहीं उठाते हैं। बहनों भाई, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होता है, पर मैं देख रहा हूं कि अपोजिशन की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज प्राइम मिनिस्टर के बारे में एब्यूजी वर्ड्स, गालियां दे रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर किसी भी पार्टी का हो, प्रेसिडेंट चाहे जो भी हो, मेरे भाई वो इंडिविजुअल नहीं होता है, व्यक्ति नहीं होता है, वो इंस्टीट्यूशन होते हैं, संस्था होते हैं। और डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, उसकी डिग्निटी को, उसकी इज्जत को, उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखना यह केवल पॉलिटिकल पार्टीज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बल्कि हर भारत के सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब वह डिग्निटी इंस्टीट्यूशंस की, संस्थाओं की जब गिरने लगती है तो डेमोक्रेसी को भी दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। और डेमोक्रेसी भी कमजोर नहीं हो जाती है तो देश को भी टूटने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। लेकिन मैं देखता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई कहता है चौकीदार चोर है, कोई कहता है अहंकारी है, कोई कहता है दुर्योधन है, कोई कहता है आतंकवादी है। बहनों भाइयों, आज तक अपने जिंदगी में किसी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अथवा किसी चीफ मिनिस्टर के लिए भी मैंने एब्यूजी वर्ड्स यानी गाली कभी नहीं की, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, कभी नहीं किया, लेकिन इस तरीके से गाली दी जा रही है, क्या आप लोग मानते हैं यह उचित है? तो बहनों भाइयों, उचित नहीं है। यदि आप यह मानते हैं तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, गणतंत्र में यही तरीका है, वोट के माध्यम से इसका बदला ले लेना चाहिए। बहनों भाइयों, तो इस बार आप वोट के माध्यम से इसका बदला ले लो ताकि आगे कोई प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को कम से कम गाली देने की हिम्मत न करें। यह मैं आप सभी लोगों से अपील करने के लिए आया हूं।